सियासत और सियासतदानों की बात जब भी आ जाती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ जाती है, और एक चोर आ गया और एक चोर ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों एक बात पे हमें एतबार होना चाहिए कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान सेम नहीं होता है। बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जो कुदरत का निज़ाम भी है, हर एक चीज़ में बदलाव लाना, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसान आ ही जाता है जो बदलाव लाता है। इस बार पांपुर के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपना कीमती वोट देके एडवोकेट मोहम्मद मकबूल शाह साहब को जितवाकर आगे लाएंगे तो यहाँ पे बदलाव आ सकता है। और दोस्तों एक और अच्छी कहावत है, वो कहते हैं ना कि बुराई बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं बढ़ती है बल्कि अच्छे लोगों के पीछे रह जाने से बढ़ती है। तो इस बार अपने अपने साथ प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि हम आगे आकर अपना कीमती वोट मोहम्मद मकबूल साहब को देके चुनाव में जितवाकर यहाँ पे एक बदलाव की जो चिंगारी है उसको जगा सकते हैं। यहाँ की आवाम जानती है कि हम कितने बुरे वक्त से गुजरे हैं, कितने मुसीबतों से गुजरे हैं। यहाँ की बाशऊर बाइज़्ज़त कौम जो है, आवाम जो है, उनको कभी कभार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि हम पांपुर के रहने वाले हैं, वहाँ वैसे किस्से हुए हैं यहाँ पे। खुसूसन यहाँ की जो नौजवान कौम है, जो मतलब नौजवान जो कौम के पिलर्स होते हैं, वो नशे के नासूर से तबाह होते जा रहे हैं। तो ऐसी कौम को बचाने के लिए हमें किसी न किसी को खड़ा करना है। और मोहम्मद मकबूल शाह साहब जो है, एडवोकेट मोहम्मद मकबूल शाह साहब जो है, वो एक बाशऊर बाइज्ज़त और पढ़े लिखे इंसान है। उनके साथ बैठ के बात करके, ख्यालात शेयर करके ये साबित हो जाता है कि उनका जो माइंड है वो फुल ऑफ करेज है, और उनका जो हार्ट है वो फुल ऑफ लव है अपनी कौम के लिए, अपने आवाम के लिए। और एक लीडर में ऐसी खसूसियत होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बदलाव के लिए। तो इस बार अपने साथ प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि हम सब निकल के खुसूसन पांपुर की आवाम, उनको अपना वोट दे के, उनको जितवा के एक बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।